इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बच्चे इसे कभी भी खाने के लिए मना नहीं करेंगे। वैसे भी पास्ता बच्चों को बहुत पसंद है, पर हम इस तरह से बनाएंगे तो इसे बहुत ही शौक से खाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर इस तरह से पनीर ग्रेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर फिर से एक लेयर पास्ता की लगाने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर फिर से पास्ता रख दिया है। इस तरह से ये दो लेयर बन चुकी है पास्ता की। और इस तरह से इसको अच्छे से रखने के बाद मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ क्यूब वाली चीज़। तो इस क्यूब वाली चीज़ को भी हम इस तरह से ग्रेट कर देंगे जैसे हमने पनीर को ग्रेट किया है। इस तरह से देखिए, ये वापस से इस तरह से कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिए, ट्राई करिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। और मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट मेरे हौसले को ज़रूर बढ़ाता है, इसलिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो हमने इसके ऊपर चीज़ भी ग्रेट कर दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमने इसके अंदर मेयोनीज़ का यूज़ किया है। अगर आपको मेयोनीज़ पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट इसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज़ डालेंगे तो टेस्टी लगेगी। अब इसके ऊपर हमने सॉस डालना है। वैसे तो हमने पास्ता में सभी चीज़ें डाल रखी है, सारे मसाले डाल रखे हैं, लेकिन हम इसमें फिर से इसमें यूज़ करेंगे ताकि थोड़ा टेस्ट बढ़ जाए। अब हम इसके ऊपर कुछ मसाले का यूज़ करेंगे। ये है चाट मसाला, इस पर हमने चाट मसाला डाला है। थोड़ा सा हमने इसके ऊपर डाला है ओरिगैनो, ये ओरिगैनो डाला है मैंने। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, इस पर हमने डाल दिया है ये पास्ता मसाला। फिर हमने इसके ऊपर डाला चिली फ्लेक्स, और इस पर हमने डाल दिया है ग्रीन चिली, यानी हरी मिर्च जो शिमला मिर्च होती है उसका हमने यूज़ किया है। बच्चों को ज़्यादा तीखा नहीं लगी इसलिए मैंने शिमला मिर्च का यूज़ किया है। इस तरह से हमने इसको बना करके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसको बेक करने जा रहे हैं। अब आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव ओवन में भी बेक करें, या फिर आप इसको किसी कढ़ाई में या भगोने के ऊपर भी रख करके बेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक भगोने में पानी गर्म किया है और उसके ऊपर मैं ये प्लेट रखने जा रही हूँ। इस प्लेट को मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। देखिए, मैंने इसको ऊपर से इस तरह से कवर कर दिया और 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको वापस रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट बाद हमारा रेडी है फ्रेंड्स, हमारा पास्ता पनीर पिज्ज़ा। और आप इसे देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में ही। तो फ्रेंड्स, आप इसे एंजॉय करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये बहुत पसंद आएगी बच्चों को। आप इसे चाय के साथ सर्व करिए। अचानक से अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो आप इस तरह का नाश्ता बना करके ज़रूर इनको सर्व करें, ये सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।